अस हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। गांव कालवण में हाँ और सोनिया दून जी यहाँ पर पहुंची हैं पंचायत करें। और पिछली बार आपने देखा है भी कैथल में एक पंचायत हुई थी संदीप सिंह का बारे में हुई थी, जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करने का, महिला कोच का बारे में दुर्व्यवहार करने का उसमें हुई थी। और वहाँ पर जो कैथल में एंट्री बैन के जो हैं बैनर लगे थे, इस टाइम पे कालवण गाँव में पहुँचे हैं, किस मुद्दा दी लेकर पहुँचे हैं और गाँव का क्या कुछ रिस्पॉन्स है तुम भी बात करें। राम राम भाई। राम राम भाई। तो आज कालवण गांव में पहुंचे हो तो किस मैटर ने लेकर पहुंचे हो? भाई मेरा कोई और मैटर नहीं है, मेरा मैटर हम लड़कियों का है, हमारी सुरक्षा का है। और जिस तरीके से ये सरकार हम लड़कियों पे ये सारे अत्याचार कर रहे हैं, और संदीप सिंह का जो ये प्रेम है खट्टर का संदीप सिंह के प्रति, जैसे वो गोद में बिठाए बैठा है, हमारा इशू बस वही है भाई। कोई भी एक आम घर का अगर कोई बालक इसी से बुरा कर्म कर देंदा, वही लग जेल में होंदा। ये तो खुला अंडन लग रहा है, न्यू का न्यू मंत्री है। बस इशू यही है कि भाई ऊपर खास तो हुए और यू जेल में जाओ ताकि कोई और संदीप सिंह पैदा ना हुए। तो कैथल में बहुत बड़ी पंचायत पिछले टाइम पे हुई थी, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था क्योंकि बहुत बड़ी पंचायत थी और आपको काफ़ी बड़ा समर्थन वहाँ पर मिला था। तो जींद में भी क्या इस तरह का ये पंचायत का आयोजन आपने कर रखा? हाँ जी, 12 मार्च को सेक्टर 8 में सुबह 11 बजे का हमारा टाइम है। हम लोगों ने सेम पंचायत रखी है, दो पंचायतें हम कर चुके हैं, ये तीसरी पंचायत है। और सरकार को एक शांतिपूर्ण तरीके से हम मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो मान जाए सरकार, नहीं तो हम इतनी शांति से फिर आगे चलेंगे नहीं। तो पंचायतों का दौर है यूँ लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा भाई, ये तो हर जगह से इसकी एंट्री बैन करेंगे, सांप को सांप के बिल में हम छोड़ के आएंगे। ओके, तो इस टाइम पे एक अलग सा माहौल क्रिएट हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं अलग दृष्टिकोण के साथ में भाजपा को देखा जाने लग रहा है, उसके मंत्रियों को देखा जाने लग रहा है। तो 2024 में इसका इफेक्ट आप डालने की कोशिश करोगे या फिर ऑटोमेटिक ही जनता इनका? देखो भाई, मेरा मुद्दा 24 या 29 या 19 या किसी भी चुनाव को लेके नहीं है, मेरा मुद्दा हमारी सुरक्षा का और हमारी इज्जत का है। 24 में क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारे वो लोग जाने जो राजनीति को एक्टिवली देख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा मुद्दा बस ये है, हमने जो न्याय चाहिए वो न्याय चाहिए, और इसका 24 में क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो मुद्दा मुझे नहीं पता। क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट हुआ है तो उसको एक आईटी सेल के द्वारा यही घोषित कराया जावे है कि चलो ठीक है राजनीति कर लेंगे, 2024 की तैयारियां चल रही हैं। ऐसा है भाई, कोशिश तो इसने भी करण लग रहे हैं राजनीतिक मुद्दा बनाने की, लेकिन लड़की तो राजनीति आड़ा का भी है, लड़की तो हर आम घर में है, हर किसी के घर में छोरी पैदा हो रही है। तो ये मुद्दा किसी की राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हम लड़कियों का, हमारी इज्जत का है। मनोहर लाल खट्टर जी ने ये बात बोली थी, प्रदेश के मुखिया ने, कि राजनीतिक जोश आ गया। अरे शर्म नहीं आती खट्टर जी को ऐसे शब्द बोलते हुए? उन बच्चियों को क्या पता, 15-15, 16-16 साल की बच्चियों को क्या पता राजनीति क्या होती है? वो लोग तो अपनी इज्जत के लिए वहाँ पहुँचे हैं, इनको उनका उनसे बात करने की बजाय शर्म आनी चाहिए। खट्टर जी ये बात बोलते हैं कि राजनीतिक जोश आ गया, डूब के मर जाएं ये बात। लेकिन खैर, खट्टर जी ने के बेरा होगा, उनको तो हर चीज़ में घूम फिर कर राजनीति दिखाई दे है। क्यों, खुद का तो बेटी नहीं, खुद का बहू नहीं, और शायद पैदा करने वाली माँ को भी वो भूल चुके हैं। किसी भी धर्म में महिला का बड़ा ऊंचा दर्जा है, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, या कोई भी हो, कोई भी ABC सारे धर्म जो हैं अपने, महिला का बड़ा ऊंचा दर्जा है क्योंकि महिला जननी है। आप एक महिला के बिना आप इस संसार को नहीं चला सकते, आपको पैदा करने वाली एक महिला है, एक औरत है, एक मातृशक्ति है। अब उसके लिए इस तरह का व्यवहार करे है भाई, वो सरदार जी ने मेरा गला कराया, मैं ये बात कहूँ कि उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ इंसानियत को भी शर्मसार किया। तो अपने साथ में बुजुर्ग हैं, काफी पंचायत में भी गए होंगे, और अपना जो समाज में कोई ऐसा गंदा आदमी अगर महिलाओं के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करते करता तो के करे करते? राम राम बताओ। के नाम बताओ? अपना समाज में इस तरह के तत्व पैदा हो जाए कर दे और अपनी बहन बेटी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेगा तो पंचायत के करे कर दे उनका गल्ला? पंचायत कहे तो उसका गल काट के डालेगा। तो फिर आज का दिन ये चीजें क्यों नहीं होने लग रही? तो
आपकी है और बहुत बेइज्जती हो रही है लड़कियों की, उसने सहन नहीं उसको ऊपर एक आरोप लग गया था कि भाई घर में भड़के ना महिला के साथ में गाली गलौच हुई है और मारपीट भी हुई है उसकी, लेकिन पूरा पूरा गाँव और जितने 52 के 52 गाँव है वो रोड के ऊपर आ गए थे और उसकी न्याय मिला था। हम तो फिटर सरकार ने कहा जब गिरफ्तार करो नहीं तो फिर दोबारा पूरा हरियाणा के लोग इकट्ठे बैठे हो। दोबारा संघर्ष बहुत हुआ भाई, बहुत ज्यादा तो बड़ा हुआ संघर्ष यार, चिंता ना करो तुम्हें बदलने नहीं रहे सारा तो भाई 12 तारीख को पंचायत का आयोजन वहां पर कराया गया है और आह्वान गांव कुटू गांव जाकर ने करण लग रही है सोनिया धून। अब देखने वाली बात यह है कि पंचायत के कुछ अपना रिस्पॉन्स दिखावा है, सरकार के इसके ऊपर से ज्ञान लेवा है और न्याय कहां तक मिला है और कहां तक इसे दबाया जावा है, यू आने वाला टाइम बताओगा। अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।